हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्निग्धा। आज फिर से आ गई हूं प्रेगनेंसी रिलेटेड और एक वीडियो लेकर जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल होने वाली है। अगर आप एक मॉम हो, होने वाली मॉम हो, अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो। देखिए, पहले जो वीडियो मैंने शेयर की थी प्रेगनेंसी के ऊपर में, उसमें एक बहुत अच्छी वीडियो ये थी कि डुअल मार्कर टेस्ट एंड डबल मार्कर टेस्ट के बारे में। अब एक कमेंट मुझे ऐसी आई थी जिसके ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो दूसरा बना दूं कि आप लोग सब जो माइंड में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, प्रेगनेंसी में हमको डुअल मार्कर टेस्ट के, डबल मार्कर टेस्ट डुअल सेम ही होता है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी किया जाता है। कोई कोई लोग ये बोलते हैं कि अगर एंटी स्कैनिंग में आपको सब कुछ सही आया तो डुअल मार्कर टेस्ट करने की क्या जरूरत है, हम क्यों करते हैं। डिटेल्स में इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम डबल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट क्यों करे जाते हैं, हम लोग क्यों करते हैं एंड करने से इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मतलब हम इतने टेक्निकली नहीं जाएंगे, मतलब साइंस के ऊपर, मेडिकलाइज के ऊपर मैं कुछ किधर भी कुछ बोला नहीं चाहता। वो मेरी एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बता रही हूँ जो मेरे साथ हुई थी। इसके बारे में हम क्लियरली बात करेंगे, क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ ये बात यही है, आपको ये करना चाहिए डबल मार्कर टेस्ट में, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट में या ट्रिपल मार्कर टेस्ट में जो रहता है हमारे, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए अभी टॉपिक में आते हैं। डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट वो क्यों कराए जाते हैं, अगर वो तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर तीनों सेम ही है तो फिर हम तीनों अलग अलग क्यों करते हैं। देखिए, वो तीनों जो टेस्ट है एक स्क्रीन टेस्ट है एंड इसमें आपकी बेबी की ग्रोथ, बेबी को क्रोमोसोम में कुछ डिसऑर्डर है नहीं है, मतलब जेनेटिक में कुछ इश्यूज है नहीं है, वो स्क्रीन टेस्ट करके वो आपको बताया जाता है। हाँ ठीक है, तीनों अगर सेम है तो तीनों हम अलग अलग से क्यों कराया जाता है। आपके दिल में भी सेम डाउट आई होगी, अगर मतलब अगर तीनों की पर्पज सेम ही है तो अलग अलग टेस्ट क्यों कराया जाता है। इसकी देखिए किसकी टाइम लाइन होती है, मतलब ये टाइम लाइन में ये टेस्ट कराया जाना सही है, ये टाइम लाइन में ये टेस्ट कराया जाना सही है। एक सिंपली एंड आम भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम तीन महीने वाला टेस्ट हम फर्स्ट मंथ में करेंगे तो हमको उस टाइम कुछ मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि बेबी की ग्रोथ उस टाइम में हुई नहीं है। सिंपली सी बात है, जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ के हिसाब से हम टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट से हमको पता चलता है कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिजॉर्डर है नहीं है, क्या इश्यूज है। इसीलिए हम जो जेनेटिक वाला टेस्ट हो गया, डुअल मार्कर टेस्ट हो गया कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट, नहीं तो क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट किया जाता है। देखिए, पहले पहले जमाने में सोनोग्राफी इतने एडवांस नहीं थी ना, तब हम लोग को ट्रिपल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट किया जाता है। वो जैसे कि हमको 16-17 वीक्स के बाद मालूम पड़ती थी अगर बेबी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अंदाजा लगाइए अगर 17-18 वीक्स के बाद आपको मालूम पड़ती है उस टाइम बहुत लेट होती है। अगर हम वो चीज़ 4 महीने, मतलब सॉरी 4 वीक्स पहले मालूम कर लेते, 10 एंड 11 वीक्स में आप कर सकते हो डबल मार्कर टेस्ट। सो इससे अच्छा होता है ना डुअल मार्कर टेस्ट, जैसे कि आपको उस टाइम 4 हफ्ता पहले पता चल जाएगी अगर बेबी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको 4 हफ्ता बाद की बात मालूम पड़ गई अगर आप कुछ सीरियस इशू है तो बहुत लेट हो जाती है ना। तो इस उसके उतना ही डिफरेंस है डबल मार्कर टेस्ट एंड ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट को। तीनों एक हार्मोनल टेस्ट होती है, जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट में आपको दो पैरामीटर चेक किया जाता है एंड ट्रिपल में 3 पैरामीटर एंड ट्रिपल में आपको 4 चेक किया जाता है एंड तीनों का तीनों हार्मोन की बेसिस के ऊपर चेक किया जाता है। एंड जब तक बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं बनती है तब तक का टेस्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आते, मतलब कुछ डॉक्टर बता नहीं सकते, तो इसके ऊपर वो पैरामीटर के हिसाब से आपकी टेस्ट किया जाता है कि। एंड आजकल तो इतना जल्दी डबल मार्कर टेस्ट आ गया है, जैसे कि आप 10-11 वीक्स 12 वीक्स में करके पता कर सकते हो कि आपको बेबी में रियली में कुछ प्रॉब्लम है एंड नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपकी हार्मोन बढ़ती है, बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम पता लगा सकते, पकड़ में आ जाती है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। एंड इसमें डुअल मार्कर टेस्ट है ना, वो बहुत काफ़ी एडवांस हो गया, जैसे कि आजकल बहुत एडवांस हो गया है। जो चीज़ें हम अगर ट्रिपल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट 16-18 वीक्स के बाद मालूम करेंगे, तो उसको अगर हम पहले मालूम कर लेंगे 12th वीक्स में, 10th वीक्स में, तो कितना अच्छी बात होती है ना। इसके लिए हम लोग डबल मार्कर टेस्ट, डुअल मार्कर टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट में आपको पकड़ में आती है कि क्या इश्यूज है। एंड इसमें नॉर्मली हम लोग को हार्मोन का ही टेस्ट किया जाता है, हार्मोन के ऊपर में हम लोग टेस्ट करके मालूम पड़ता है, इसमें मालूम पड़ जाती है कि आपको डाउन सिंड्रोम की कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। तो जब डॉक्टर आपकी डुअल मार्कर टेस्ट करते हैं तभी आपको पता लग जाती है कि डाउन सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम कुछ, मतलब बच्चे में कुछ डिसऑर्डर दिखती है नहीं दिखती है। और जैसे कि अगर आप ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी आप करते हो 16 वीक्स एंड 18 वीक्स में, तभी तब क्या होता है ना, तब बच्चे की और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तब वो आपकी आप ज़्यादा पकड़ में आती है अगर कुछ ज़्यादा इश्यूज है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो उस टाइम आपकी बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से आप मतलब ज़्यादा पता कर सकते हो उस टाइम। बट उससे पहले अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप 12 वीक्स में अगर 11 वीक्स में, जैसे कि मैं 11th वीक्स में की थी मेरी टेस्ट है, तो आप उस टाइम टेस्ट करवा सकते हो जो अभी एडवांस में है। पहले पहले जब सोनोग्राफी वोनोग्राफी इतना एडवांस नहीं थी, देखे होंगे विलेज में बहुत सारी बच्चे बहुत डिजॉर्डर वाले होते हैं,
तो क्या होता है ना, उन लोग गांव से इतना दूर जाना, टेस्ट करना उन लोग के लिए सब नहीं होती है, मतलब उतना पता भी नहीं रहता है। आजकल भी अभी भी बहुत से लोग अब बोलोगे टेस्ट करने की क्या जरूरत है, भगवान देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। भला कि बच्चा जब बाद में पैदा होगा तो भी उनके दिमाग में आती है शायद हम कलत्रा जी ये दिन देखने नहीं पड़ते है, तो उस टाइम में वो सारे टेस्ट होते थे। तो अभी जैसे कि आप डबल वन का टेस्ट करते हो आप उसमें मालूम पड़ते हैं डाउन सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम है नहीं है, कि और कुछ जेनेटिक वाली कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, कि डिसऑर्डर कुछ है नहीं है, सब कुछ उसमें आपको पता लग जाती है। उसके बाद डॉक्टर आपको सजेशन करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टाइम रहती है आपको पता चल जाती है ना डिजीज, तो आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत आसान हो जाती है। जो चीज़ें आपको 20 वीक से 18 वीक से मालूम पड़ेगी, जो आपको 10 वीक से 11 वीक से मालूम पड़ जाएगी, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत आसान हो जाती है। अभी हम ये बात कर रहे थे कि मेरी ब्लॉगिंग जो जैसे कि कमेंट के ऊपर में आई थी मुझे, कि अगर आपकी एंटी स्कैन सही है तो आपको डुअल मार्कर टेस्ट करने की जरूरत क्या है। देखिए दोनों के टेस्ट आपको सही टाइम में करना बहुत जरूरी है, एंड दोनों की टेस्ट की जो टाइम लाइन है 11 to 12 वीक्स के बाद वो करते हैं। तब क्या होती है, जैसे कि आप अगर एंटी स्कैन करते हो उसमें बेबी के ऑर्गन के बारे में आपको मालूम पड़ता है, बेबी के सब ऑर्गन ठीक है नहीं है, तब उसमें ये मालूम पड़ता है कि बेबी की ग्रोथ सही हो रही नहीं हो रही, उसका ऑर्गन सही से ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, उस सब मालूम पड़ता है आपको एंटी स्कैन में। अगर डुअल मार्कर टेस्ट में आपको बहुत ही क्रोमोसोमल के बारे में मालूम पड़ती है, तो दोनों जो टेस्ट होते हैं ना वो आपको लगभग सेम टाइम ही कराया जाता है। वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दोनों। एंड जब आपकी अगर आप ट्रिपल मार्कर टेस्ट नहीं तो क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट करते हो, जो आपको 20 वीक्स बाद मालूम पड़ती है, कि उस टाइम बेबी की ग्रोथ और ज़्यादा होती है, और कहीं की छोटे मोटे प्रॉब्लम भी उस टाइम में आपको मालूम पड़ेगी जो आपको डबल मार्कर टेस्ट में मालूम नहीं होती है। तो इसीलिए एंटी स्कैन अगर आपने किया और एंटी स्कैन में सब कुछ सही हुआ, इसका मतलब नहीं कि आपकी बेबी में सब कुछ सही होगा, आपको डबल मार्कर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड ये पूरे टेस्ट के होता है ना स्क्रीन टेस्ट है, एंड ये कोई जितने भी डबल मार्कर हो गया नहीं तो डुअल मार्कर हो गया एंड क्वाड्रुपल मार्कर हो गया, ये जितना भी टेस्ट है इस सब ना के प्रोबेबिलिटी के ऊपर रहता है। जैसे कि इसमें कोई गारंटी पॉसिबिलिटी नहीं कि 100% आपकी बेबी में डाउन सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम होगी, नहीं तो आपको बेबी में कुछ जेनेटिक वाली प्रॉब्लम होगी, मतलब ये कि रहता है ना एक पॉसिबिलिटी रहती है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। बट अगर आपको उसे पहले मालूम करना बहुत जरूरी है सारी चीज़ें टेस्ट करके, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम डिसीजन बहुत पहले ले सकते हैं, 4 हफ्ते पहले हम डिसीजन ले सकते हैं कि आपको हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डबल मार्कर टेस्ट में। तो दोनों टेस्ट आपको करना बहुत जरूरी है, मतलब सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हिसाब से होती है। हाँ, और एक क्वेश्चन आपके दिल में आएगा, अगर आपने डुअल मार्कर टेस्ट करवा लिया क्या आपको ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट करने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं, मतलब इट्स वेरी रेयर केस है आपको उसकी टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको डुअल मार्कर टेस्ट में जो बच्चे में कुछ प्रॉब्लम अगर होती है, डाउन सिंड्रोम होती है नहीं होती, कि डिसऑर्डर कुछ होती है, कुछ भी होती है ना, उस टाइम आपको मालूम पड़ता है। तो बाद में आपको ओवर टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डबल मार्कर टेस्ट करने के बाद में ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। बट आप एंटी स्कैन के साथ साथ डुअल मार्कर टेस्ट कर सकते हो, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों की सिग्निफिकेंस जो होता है ना, दोनों के अलग अलग तरीके से आप पता कर सकते हो कि बेबी की ग्रोथ और बेबी की क्रोमोसोमल ग्रोथ, बेबी में क्या इश्यूज है नहीं है, ऑर्गन सही है, तो वो दोनों को अगर आप सोचोगे हम ये कर रहे हैं वो नहीं करना, वो फिर गलत हो जाएगी। बिजी हो, बिजी के कारण आपने डबल मार्कर टेस्ट नहीं करवाया, तो आपको फिर से आपको ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कराया जाएगा, जो 16-18 वीक्स में कराया जाता है। मतलब मैं कोई केसेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जनरली ऐसा ही होता है। एंड अगर आपके दिल में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर डुअल मार्कर टेस्ट आप कर रहे हो एंड आप NIPT टेस्ट ने क्यों नहीं करवाया, जैसे कि मुझे कमेंट आई थी, देखिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आप मेरी वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि NIPT टेस्ट ना एक अलग टेस्ट होती है, उसमें आपको बहुत सारी टेस्ट करवानी पड़ती है। बट ये जो डुअल मार्कर टेस्ट होता है ना, वो एक ब्लड सैंपल लेके आपकी टेस्ट कराया जाता है, तो उसके साथ इसकी कुछ मतलब लिंक नहीं है। मतलब NIPT टेस्ट एक बहुत अलग टेस्ट हो जाता है, एंड ये डुअल मार्कर टेस्ट बहुत अलग टेस्ट है, जिसमें आपके बच्चों के रिजल्ट के बाद मालूम पड़ता है। अगर डुअल मार्कर टेस्ट में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आती है, उसके बाद डॉक्टर आपको सजेशन देता है कि आपको फर्दर NIPT CVS एमनोसेंटेसिस कौन सी टेस्ट करवानी चाहिए। वो एक तो बहुत अलग टॉपिक हो जाता है, जिसके बारे में हम कभी अलग टाइम में बात करेंगे, कि अगर डुअल मार्कर टेस्ट से आपको पॉजिटिव आती है क्या करनी चाहिए, नेगेटिव आती है तो क्या, मतलब वो एक तो अलग से वीडियो आपको बता के मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सारी आपको दिल में ना बहुत सारी खिचड़ी पक जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आप अभी इसमें ध्यान रखिए कि डुअल मार्कर टेस्ट के बारे में, तो अगर आपने ये नहीं करवाया तो 17-18 वीक्स में फिर उसको करवा दीजिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगी और बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन तीनों में से एक टेस्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है, आप कुछ भी ऐसा कि नहीं छोड़ सकते कि बाद में अगर जब प्रॉब्लम होगी फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा, शायद हमने आज टेस्ट किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ा होता। ये थी आज की इस वीडियो, जहाँ पर मैं बहुत आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, एंड ये मेरी एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। जितना सारी टेस्ट है
मार्कर टेस्ट से उसमें और कुछ गड़बड़ी आएगी तो डॉक्टर आपको फर्दर सजेस्ट करेगा कि यह टेस्ट करानी चाहिए, बट आपको ये तीनों टेस्ट में एक टेस्ट जरूर करानी चाहिए आपको मालूम करने के लिए कि आपके बच्चे 100% सही है और नहीं है। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर जब आपको सजेशन पूछेगी कि डॉक्टर आपको पूछेगी तो डॉक्टर के साथ पूरा खुल के आपके कानून के साथ जो भी इश्यूज है जो भी दिल में डॉक्टर कुछ दिल में मत रखिए, डॉक्टर के साथ बात करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप छुपाएंगे हो सकता है कल जाकर वो बड़ा हो जाए। अगर आप कोई चीज़ मतलब बेबी को लेकर ना कोई चीज़ छुपाना नहीं, अगर आप कुछ फील कर रहे हो कुछ हो रहा है तो सब कुछ डॉक्टर को बोलिए। आज की इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको कुछ हेल्प होगी होंगी एंड बहुत आम भाषा में मैंने आपको समझाई जो बहुत इजीली एक किसी को समझ में आ जाएगी ये टेस्ट क्यों है और क्यों करना चाहिए क्या बेनिफिट है। तो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप कोई प्रेगनेंट मॉम है उनसे शेयर करिए। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है ना मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर मैं दे ले रहा हूँ।